सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे, छुपा छुपाई नजर तो आई ना। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:15 हो रहे हैं और मैं आ चुका हूँ सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल BHU। आज है काशी बैलून फेस्टिवल का पहला दिन और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, इसलिए जल्दी भी आ गया, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। तो अभी क्या सीन चल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी, सुबह के 6:20 हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जो है आ चुकी हैं। जस्ट ये मेरे साथ ही आई हैं 5-10 मिनट पहले। आप देख सकते हैं सारी गाड़ियों पर नंबर भी है, 7, 8, 9 करके। और जितने भी लोग आप देख रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स हैं, या फिर कुछ कुछ बैलून उड़ाने वाले हैं। जैसे आप ये येलो टी शर्ट में देख रहे हैं, ये बैलून उड़ाने वाले हैं। मैक्सिमम भीड़ जो है अभी क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स की ही है, जो मतलब कवर करने वाले हैं अपने कैमरों से। मैक्सिमम भीड़ वही है। तो देखिए, प्रिपरेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है। सारी गाड़ियाँ कुछ इस तरीके से लगाई जा रही हैं, ये देखिए, मतलब अपोजिट साइड करके, ताकि यहीं से बस सारा सामान निकाला जाए और यहीं पे लगा दिया जाए। अभी भी क्योंकि पूरी तरह दिन नहीं हुआ है, इसलिए मेरा GoPro अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा, इसलिए मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। तो ये देखिए चालू हो गया है सामानों को निकालना। ये तो आप जो सामने देख रहे हैं, इसको आप जानते हैं कि इसी में बैठ के हॉट एयर बलून में उड़ा जाता है। और ये देखिए सामने जो है मोटर लगा हुआ है, फैन, जो कि जो आग होती है उसको हवा देता है। और ये देखिए, ये जो जिससे आग निकलती है, ये वो है, उसको पकड़ा गया। देखिए सेटअप किया जा रहा है इस समय। आपके जो है दाहिने तरफ जो है वो आए हैं बाहर से उड़ाने के लिए, और वो लगातार गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से हॉट एयर बैलून को सेटअप किया जाता है। और भैया जो है उनकी हेल्प कर रहे हैं। वो देखिए बारी बारी जैसे जैसे वो गाइड कर रहे हैं, वैसे वैसे वो लगा रहे हैं। और ये देखिए, ये है आपका मेन जो आपका बैलून है, ये वो है। और जिस तरीके से मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, वैसे ही बाकी तरफ भी सेटअप हो रहा है। ये लगभग 9 नंबर की गाड़ी है, तो बाकी 8 भी सेटअप हो रहा है। वो देखिए वहाँ पे गैस निकल गई। लगातार चेकिंग चल रही है इस समय। ये देखिए, देखिए लगातार वहाँ पे चेकिंग किया जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सही। देखिए हम लोग, बहुत सही। देखिए हम लोग के सामने वाला भी चेक हो रहा है। बहुत अच्छा लगा भाई। क्या भैया, इतनी ठंडी में गरम गरम अच्छा लगा? वाह, तो हमारे साथ जो है सचिन भैया भी हैं। सचिन भैया, ठंडी में गरम गरम अच्छा लग रहा है? एकदम मजा आ गया है। अच्छा लग रहा है। देखिए लगभग पूरी तरह तैयार है, अब इसको बैलून के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। वाह, वैसे सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, जितना मैंने देखा जो मेरे सामने ये रेडी हो रहा है। लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा ये सब सेटअप तैयार कर दिया गया। अब डायरेक्ट जो है बैलून लगाया जा रहा है, मतलब काफ़ी तेज़ी से हुआ ये, और मुझे लगता है अगले 15-20 मिनट में उड़ान के लिए जल्दी तैयार भी हो जाएगा। तो क्योंकि अब दिन ठीक ठाक हो गया, इसलिए मैंने अपना GoPro ऑन कर लिया है। अब देखेंगे इस तरफ बैलून सेटअप हो रहा है, और इस तरफ भी आप देखेंगे सुरक्षाकर्मी बहुत सारी जो है लगे हुए हैं। आप देखेंगे इस तरफ भी सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त है। सचिन भैया, ये वाला कुछ ज़्यादा ही बार नहीं चेक हो गया है? नहीं, इसको हर एक प्रकार से चेक करके देख ले रहे हैं, पुष्टि कर ले रहे हैं, ताकि कोई ना हो पाए। बहुत ही अच्छी बात है, इसका चेकअप बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा चाहिए। आप देखिए ये जो लाइन से आप देख रहे हैं, ये लगभग 9वां नंबर है। यहाँ से आप देखेंगे तो पूरे पारी पारा करते हुए पूरा 1 नंबर तक गया है, और सारी गाड़ियाँ भी यहाँ पर लगी हुई हैं। अभी देखिए फाइनल स्टेप में है लगभग ये बैलून। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ तक पूरा ये बैलून है, और अब ये कनेक्ट होने जा रहा है। जस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार जो है ऐसा बैलून सेटअप होते हुए देख रहा हूँ, इसलिए मैं इसको पूरा अपने लिए भी खुद डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ।
बहुत ज़्यादा वजन लग रहा है, इतना ताकत लगा खींच रहे हैं तो। अच्छा अभी अभी हुआ क्या कि एक दो मैम लोग जो हैं ऑर्गेनाइज़र से पूछने भी आई कि इसके टिकट कैसे मिलेंगे कैसे नहीं, तो उन्होंने अभी जो है मतलब बता दिया कि अभी नहीं है कुछ ऐसा सिस्टम। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ क्लियर नहीं है, अभी कुछ क्लियर नहीं है, थोड़ा देर में ही क्लियर हो जाएगा। तो आज वाली राइड तो जो भी जैसा होना होगा हो जाएगा, अगर हम मेरे को दिन में भर में या किसी टाइम पता चलता है कि टिकट कुछ सिस्टम अवेलेबल है या नहीं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो बैलून जो है देखिए फैला के पूरी तरह रेडी कर दिया गया है। देखिए इधर एक फूल चुका है और ये देखिए वहां पे भी एक बलून लगभग रेडी हो चुका है। तो देखिए ये वाला बैलून तैयार हो चुका है, बाकी बैलूनों के भी हालचाल आपको दिखाया जाए। ये वाला बैलून तैयार किया जा रहा है इस वक्त, माइक मैंने अपनी तरफ किया ताकि आवाज़ आपको थोड़ी क्लियर आ पाए। देखिए ये वाला बैलून तैयार किया जा रहा है, उधर भी एक बैलून आप देख सकते हैं वहाँ पर रेडी हो चुका है। इस तरफ देखिए यहाँ पर भी तैयारी चल रही है इस वक्त, और इस तरफ भी बैलून फुलाने का जो है प्रिपरेशन चालू हो गया है। यहाँ पे भी फैन स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे बैलून फुलाया जा रहा है। आइए आपको उस तरफ लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी चालू है प्रिपरेशन जो है, यहाँ पे भी बैलून फुलाया जा रहा है और एक बैलून ये रेडी है और एक बैलून इसके पीछे भी रेडी है। टोटल लगभग 10 बैलून आसपास है, टोटल 10 बैलून है लगभग, जहाँ तक मुझे गाड़ियाँ दिख रही हैं टोटल 10 गाड़ियाँ हैं। ये तो आसपास सट गए एकदम। देखिए वहाँ से हम लोग चलते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे लगभग जो तीनों बैलून है वो रेडी हो चुके हैं, वो वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। सामने आप देख सकते हैं AMT यूट्यूबर हमारे भैया जी iPhone 14 Pro Max के साथ। हेलो, बाइक चला के आए, हालत खराब हो गया भाई साहब, डोमरी पहुंच गए थे कहते कहते आए थे मतलब भैया जी जो है हमारे डोमरी जा चुके थे और वहाँ से दौड़ते हुए आए हैं और बात करते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट होते बचा हुआ है। ट्रक दो तरह से ट्रक क्या रही थी, इलेक्ट्रिक बस आई थी, गाड़ी एकदम ब्रेक मारे एकदम झटाक के। ये देखिए हमारा जो नवा नंबर था वो तैयार हो चुका है, ऊपर भी उठ चुका है, काफ़ी तेज़ी से जो है इसको जल्दी से ऊपर उठाया गया। बाकी सब अभी आप देखेंगे वहाँ पर भी अभी वो लेटे हुए हैं, बाकी सारे बैलून अभी लेटे हैं। ये भाई साहब एकदम रेडी हैं जाने के लिए, क्या खूबसूरत लग रहा है मुझे, मतलब ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत अमेजिंग लग रहा है भाई, बहुत अमेजिंग, बहुत बेहतरीन। आइए आपको पास से दिखाते हैं। तो देखिए अब आप लोगों को ले आए हम बैलून के पास और इस समय आप देख सकते हैं बैलून जो एकदम फूल के रेडी हो चुका है। अंदर कुछ नज़ारे दिखे, लगातार जो है भैया लोग इसको पकड़ के रखे हैं क्योंकि जैसे ही बर्नर जल रहा है तुरंत ही हवा में हो जा रहा है। गर्म ठंडी में सबको गर्मा गर्म जो आग जल रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है। तो देखिए एक बैलून और रेडी हो चुका है इस समय सामने, लेकिन ये थोड़ा अजीब डिजाइन का बैलून है, मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा है, लेकिन दिस इज लाइक अ फनी बैलून मैन, काफ़ी फनी दिख रहा है। ये वाला बैलून देखिए सही है, ये वाला बैलून एकदम नॉर्मल है, अच्छा लग रहा है। ये वाला बैलून थोड़ा अजीब डिज़ाइन है, ठीक है अलग अलग डिज़ाइन के बैलून उड़ते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी सब भी देखिए रेडी हो रहा है, यानी कि वो स्काई वॉल्ट वाला देखिए वो भी तैयार हो चुका है लगभग, वो भी स्टैंड होने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं एक बैलून और रेडी हो चुका है इस तरफ, यहाँ पर एक बैलून यहाँ रेडी हो चुका है, पीछे भी उसके एक बैलून रेडी होने जा रहा है। यहाँ पे लगभग टोटल 4 बैलून आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगे, मुझे नहीं पता आपको कैमरे में कितना समझ में आ रहा है, लेकिन जो मैं आपके सामने देख रहा हूँ वाह क्या कमाल का नज़ारा भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ हमारे सामने जो है रेडी है, वाह क्या क्यूट लग रहा है यार, बहुत ही क्यूट लग रहा है। साइड से मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था लेकिन सामने से बहुत क्यूट लग रहा है। और एक देखिए वहाँ पर रेडी हो चुका है, तो एक दो 3 और एक पीछे भी 4, टोटल 4 बैलून इस समय रेडी हैं। तो देखिए अब हम लोगों ने फ्रेम बदला है और अब मैं आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर दिखा सकता हूँ। ये देखिए क्या गजब का नज़ारा है आपके सामने, सारे बैलून लगभग रेडी होने को हैं। इस तरफ भी आप देखेंगे
दो बैलून ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं, दो बैलून और खड़े होने को हैं। सामने आप देख सकते हैं एमटी यूट्यूबर को, और एक दो तीन, बस ये चौथा भी स्टैंड करने वाला है। तो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अद्भुत नज़ारा है आपके सामने। अब देखिए आठों के आठों तैयार हो चुके हैं, और क्या कमाल का फ्रेम आ रहा है इस वक्त। ये वाले जो हैं ये दोनों आपस में कुछ ज़्यादा ही सट गए, कोई बात नहीं, गुल्लू गुल्लू हो रहा है आपस में। तो देखिए अमित भैया का ड्रोन जो है उड़ चुका है एकदम, ड्रोन पायलट हमारे तैयार। बगल में है बनारसी मसमौला, वो भी अपने गिम्बल विम्बल लगा के पूरी तरह एकदम तैयार हैं। और इस तरह आप देख सकते हैं टोटल 8 बैलून रेडी है, ये 9वां है और वो 10, मतलब शुरू में जो हमने एक्सपेक्ट किया था 10 बैलून है टोटल। अरे यार उड़ गया। तो पहला बैलून आप देख सकते हैं कि ये उड़ चुका है, पहला बैलून हमारा हवा में इस समय। वैसे पता नहीं किसी को अंदाज था कि नहीं था, ये अचानक एकदम जल्दी उड़ गया। तो अगर इसने उड़ान भर लिया तो मतलब बाकी सब भी रेडी होंगे उड़ान भरने के लिए। और ये देखिए दूसरा भी हमारा उड़ान भर चुका है, दूसरा भी हमारा उड़ान भर चुका है। पहला वाला हमारा देखिए यहाँ आ चुका है, पहला वाला वहाँ पर है, दूसरा वाला देखिए यहाँ से उड़ान भर चुका है। तो ये मुझे एहसास हो रहा है कि काफ़ी अच्छी जगह हम लोग आकर खड़े हो, यहाँ पर आकर खड़े हो गए ताकि हम लोग को अच्छा एक फ्रेम मिल सके, और फ्रेम अच्छा खासा हमें मिल रहा है। देखिए तीसरा भी उड़ान भर चुका है, वो देखिए एक हमारा वहाँ पर है, ये दूसरा और ये तीसरा। क्या क्या अद्भुत नज़ारा भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। वो देखिए एक हमारा वहाँ पर है, एक वहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। ये देखिए स्काई वॉल्ट वाला भी इस समय हमारा हवा में है, और ये देखिए इसका साइज कुछ ज़्यादा बड़ा है, इसमें कहीं ज़्यादा लोग हैं इस वक्त। ये वाला भी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये वाला सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो मेरे ठीक ऊपर इस समय बैलून है, और मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। सुबह के सनराइज़ के साथ आप देख सकते हैं आपको दो बैलून वहाँ पर दिख रहे हैं, और सुबह के सनराइज़ के साथ एक बैलून ठीक ऊपर है जो कि ये सबसे बड़ा बैलून है। ये वाला भी हमारा आप देखिए टेक ऑफ कर चुका है। तो आप देख सकते हैं दोनों जो सबसे बड़े बैलून थे इस समय हवा में हैं। एक देख सकते हैं वहाँ पे स्काई वॉल्ट वाला, वो सबसे बड़ा है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे है ये, और ये दोनों इस वक्त हवा में हैं। काफ़ी खूबसूरत फ्रेम है, साथ आप विटनेस कर रहे हैं ये कमाल का नज़ारा, बहुत ही अद्भुत। तो अब लगभग सारे बैलून हवा में हैं, सिर्फ दो को छोड़ के, एक देखिए वहाँ पर रेडी हो रहा है और दूसरा जो है यहाँ पर रेडी हो रहा है। ये तो बहुत ही स्लो रेडी हो रहा है एक्चुअली, ये स्टार्ट भी बहुत लेट हुआ इस वजह से इसमें टाइम लग रहा है। तो अभी तक के एक्सपीरियंस का बात करूँ तो ये काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग के लिए भी ये कमाल का एक्सपीरियंस होने जा रहा है। तो आज मैं हूँ CHS BHU में, आज मैं इसको यहाँ से कवर कर रहा हूँ, लेकिन कल परसों नरसों जैसे ये दिन और आगे बढ़ेंगे मैं इसे अलग अलग एंगल से लेने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। तो इस तरह आप देख सकते हैं हमारा एक और बैलून टेक ऑफ कर चुका है जिसमें कोई नहीं है। अरे यार सिर्फ एक ड्राइवर है और एक कैमरामैन है, उसके अलावा कोई नहीं है उसके अंदर। ये क्या बात हुई यार, अरे हम ही लोग को बैठा लिया होते, उसके अंदर कोई है ही नहीं, सिर्फ एक उड़ाने वाला और एक कैमरामैन, उसके अलावा कोई नहीं है। तो अब फाइनली आखिरी जो हमारा बैलून है वो भी अब हवा में जा चुका है, और देखिए अब यहाँ पर कोई बैलून नहीं बचा, सब पूरा टोटल खाली। और ये देखिए हमारा फाइनल बैलून जो है वो इस वक्त हवा में है। तो इसी बैलून के साथ इस वीडियो को भी यहीं समाप्त करते हैं, इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।